कांग्रेस को आयकर विभाग का नोटिस, तो हवाला के जरिए 170 करोड़ रुपए लेने का आरोप कांग्रेस पर। हैदराबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े पैसों के लेन देन का ये पूरा मामला, तो कांग्रेस ने नहीं दिया कंपनी के भेजे गए पैसों का हिसाब। राजनीतिक चंदे को लेकर कांग्रेस को नोटिस भेजा गया है, तो कंपनी के दावों में जिन पैसों के फ्लो का जिक्र मिला उनसे जुड़े कागजों को कांग्रेस पार्टी पेश नहीं कर पाई है। तो इससे पहले 4 नवंबर को भी इस मामले में नोटिस दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हुआ था। तो अब कांग्रेस की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस को आयकर विभाग ने नोटिस दिया है और हवाला के जरिए 170 करोड़ लेने का आरोप कांग्रेस पर। तो हैदराबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े पैसों के लेन देन के मामले में कांग्रेस पार्टी को नोटिस आयकर विभाग की तरफ से। कंपनी की तरफ से किए गए दावे में जिन पैसों के फ्लो का जिक्र किया गया है उनसे जुड़े कागजों को कांग्रेस पार्टी पेश नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने नोटिस दिया है हैदराबाद की कंपनी से फंड को लेकर। यह नोटिस हवाला के जरिए फंड लेने का आरोप है। तो आयकर विभाग की तरफ से देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी को यह नोटिस राजनीतिक चंदे को लेकर भेजा गया है। 2 दिसंबर को भेजे गए इस नोटिस में हैदराबाद की कंपनी की तरफ से भेजे गए पैसों का हिसाब ना देने की वजह से नोटिस।